जब से ट्विटर की कमान एलोन मस्क के कंधे पर आई है तब से ट्विटर की चिड़िया उड़ने रही बल्कि तड़प रही है, क्योंकि एलोन मस्क के सीईओ बनने के बाद से ही भारत में मौजूद ट्विटर के दिल्ली और मुंबई हेडक्वार्टर पर ताला लग चुका है और यहां तक कि 90% से ज्यादा एम्प्लॉइज को भी निकाल चुकी है ये ट्विटर। मगर रिसेंटली ट्विटर ने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे कई बड़े बड़े हस्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक मार्क ही हटा दिया है। अब जिनके ट्विटर पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, भला उनके अकाउंट से ये ब्लू टिक क्यों हटा दिया गया? चलिए इसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं। दरअसल एलोन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था तब उन्होंने ये प्लान बना लिया था कि ट्विटर से भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे और इसीलिए उन्होंने कई दिनों पहले ये अनाउंस भी किया था कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए अब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उन्होंने ब्लू टिक पर सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट 20 अप्रैल रखी थी। अब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनके अकाउंट पर ब्लू टिक है और जिन्होंने नहीं लिया था उनके अकाउंट से ब्लू टिक गायब है और अब उन्हें ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए इनके अकाउंट से ये ब्लू टिक वाला मार्क हटा दिया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, इन लोगों को ब्लू टिक के लिए पैसे देने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।